हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। दिस इज लेक्चर नंबर 6। आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच पार्ट 1 टू पार्ट 5 बिफोर वाचिंग दिस पार्ट 6 एंड यू आर वेलकम इन अरविंद सिंह एकेडमी। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड रियलाइज life. Let me discuss few examples with which you can understand it. What is the reflection? तो अभी तक हम लोगों ने reflection के बारे में पढ़ा था और reflection और आप पढ़ रहे हैं refraction के बारे में। तो refraction के कुछ phenomena ऐसे हैं जिसके देख करके आपको पता चल जाएगा कि refraction होता क्या है। There are some phenomena like twinkling of a star, जो atmosphere में आप देखते हैं रात में sky में कि स्टार्स जो है ट्विंकल कर रहे हैं, या कुछ और आप देख रेनबो देखते हैं तो रेनबो में भी रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से रेनबो होता है। या आप देखते हैं कि कोई स्टिक रखा हुआ है किसी वाटर में और थोड़ा सा बेंड हुआ दिखता है, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। या आप देखते हैं कि कहीं पर बाल्टी में पानी रखी हुई है, कहीं ऐसा समुद्र या नहर में या नदी में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे लगता है कि बहुत कम ही पानी है और वो थोड़ा सा जब रखते हैं एक्चुअल में पैर वगैरह तो वहां ज्यादा पानी होता है, यानी उसकी रियल डेप्थ नहीं दिखाई देती, आपको अपेरेंट डेप्थ दिखाई देती है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है। या जब सुबह सुबह जब आप जगते हैं तो आप देखते हैं कि सन जो है एकदम सुंदर सा एक गोल शेप का होता है और थोड़ी देर बाद देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत तेज लाइट हो जाती है। तो ऐसा तो होता नहीं कि सन का जो शेप है या लाइट देने की कैपेसिटी है या एबिलिटी है वो बदल रहा है लगातार, ऐसा तो है नहीं। वो तो एक कंसिस्टेंट प्रोसेस के अंदर उसमें रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और इस की वजह से लाइट और हीट दोनों निकलती रहती है। तो आपके लिए सुबह सुबह वहां पे लाइट कम कैसे दिखेगी, दिखता कैसे है? वो रिफ्रैक्शन की वजह से एक्चुअली सन का इमेज दिखता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही आपको इमेज दिखता है। या कई जगह मिरेज दिखता है जब गर्मी के दिनों में आप देखेंगे, या इवन सड़क पे भी बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो जो पीच सड़क होती है गोलतार की उस पे आगे लगता है, थोड़ी दूर आगे शाइनिंग की तरह लगता है, लगता है जैसे वाटर और वहां पे वाटर होता नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे फिनोमेना है जो हमारे रियल लाइफ में होते रहते हैं और होते हैं, उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे बारी बारी से। लेकिन फिलहाल ये पहले समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन में लाइट का ही होता है और लाइट का रिफ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसके पाथ में डेविएशन होता है और डेविएशन होने की वजह से ये सारे फेनोमेना होते हैं। मतलब मीडियम क्या हुआ? मीडियम जैसे एयर है, वाटर है, ग्लास है, ये सब अलग अलग मीडियम है। एयर में भी कई तरह के मीडियम हो सकते हैं, जब ऊपर जाएंगे तो रेयर मीडियम होगा, उसमें हवा का डेंसिटी जो है बहुत कम है तो रेयर मीडियम है। जमीन पे एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अलग अलग लेयर्स पे हम मान सकते हैं अलग अलग डेंसिटी है और डेंसिटी के हिसाब से ही हम डिफाइन कर पाते हैं कि कोई मीडियम रेयर है कि डेंसर है। लेकिन कोई अकेले डिफाइन नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, कंपेरिजन होगा एक के मुकाबले दूसरा। जैसे एयर वाटर के मुकाबले क्या है, रेयर मीडियम है, एयर की डेंसिटी वाटर के मुकाबले कम है तो एयर है रेयर मीडियम और वाटर है डेंसर मीडियम। लेकिन अगर वाटर और ग्लास की कंपेयर करें तो ग्लास क्या हो गया, डेंसर मीडियम, और वाटर क्या हो गया, रेयर मीडियम। तो वाटर जो है एयर के मुकाबले डेंसर है और ग्लास के कंपेरिजन में क्या है, रेयर है। इस तरीके से जब भी हम रेयर या डेंसर कहते हैं तो एक कंपैरिजन होनी चाहिए। जैसे कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, ये पेन है ये छोटी है कि बड़ी है ये नहीं कह सकते कि ये छोटी है कि बड़ी है, किसके मुकाबले छोटी या बड़ी है ये हमें देखना होगा। मेरे मुकाबले तो ये छोटी है और इस ढक्कन के मुकाबले जो है ये बड़ी है, अगर ये ढक्कन ले लें तो इसके मुकाबले ये बड़ी है, तो इसलिए कंपेरिजन होती है। तो मीडियम जो होता है वो कंपेरेबल वर्ड है कि मीडियम, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम ये किसके मुकाबले। लेकिन एक बात तो तय है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर डेंसिटी चेंज हो रही है तो वो मीडियम भी बदला हुआ माना जाएगा
और एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो उसके पाथ में कोई ना कोई चेंज होता है, उस चेंज को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं, कुछ डेफिनेशन लिखते हैं इसके बारे में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसको डेफिनेशन के तौर पर ये लिख सकते हैं कि द फेनोमेना ऑफ लाइट इन विच व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये डेविएट होता है, अब किधर डेविएट होगा और कितना डेविएट होगा ये कुछ रूल होते हैं और उस रूल के हिसाब से डेविएट होता है। ठीक है, तो पहला ये है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट लाइट पासेज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम it deviates towards the normal it deviates towards the normal। कहां से कहां? रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, दूसरी बात होती है when a ray of light light passage from denser medium to rare medium it deviates away from the normal। तो लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है ये, और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, ये डिफाइन करेगा कि लाइट किधर की ओर डेविएट होगा और कितना डेविएट होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक मीडियम है जो कि दो को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक मीडियम हमने ले लिया और ये मीडियम है कि इधर में है डेंसर, कोई भी हो सकता है, जैसे वाटर मान लेते हैं वाटर है, और ये है रेयर मीडियम से एयर एयर। अब अगर कोई लाइट यहाँ पे ट्रेवल करेगा, यहां से कोई लाइट यहाँ तक आएगा तो ये इंटरफेस है, ये इसको मानेंगे इंटरफेस, इसको क्या कहेंगे इंटरफेस। इंटरफेस क्या होगा? इंटरफेस हुआ कि द लेयर व्हिच सेपरेट टू डिफरेंट मीडियम्स, ये इंटरफेस है। यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर ये हुआ हमारा नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। इस नॉर्मल से अब लाइट को जाना तो सीधे चाहिए था, लाइट को जाना चाहिए था सीधे, ये जो है ये नॉर्मल है और नॉर्मल के साथ जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये क्या है इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे हैं तो ये बना रही हैं एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको जाना तो ऐसे सीधे चाहिए था, है ना, जाना ऐसे सीधे चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जा करके चूंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है इसलिए ये लाइट जो है वो
बेंट हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये जो है ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ठीक, ये बेंड हो जाएगा। इसको जाना ऐसे सीधे चाहिए था, लेकिन इस सीधे ना जा करके ये बेंड हो गया, और बेंड हो गया तो यहाँ पे एक एंगल बनाया। इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये देखो। अगर ये ऐसा होता, अगर ये लाइन ऐसा जाता, ये रे ऑफ लाइट ऐसा जाता, तो हम कहते कि ये क्या है, जैसे इधर से आ रहा है और इधर को ही जाता, ये पूरी तरह से सीधा उसी डायरेक्शन में, तो हम कहते कि ये लाइट जो है सीधी ट्रेवल कर रहा होता, और ऐसी स्थिति में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता, होता ना। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, और ये जो सीधे जाना चाहिए था वो सीधे ना जा करके क्या हुआ, यहाँ पे बेंड हो गया। तो बेंड हो गया है तो ऑफ कोर्स अगर सीधे जाता तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं है। आई इज नॉट इक्वल टू आर हेयर, दिमाग में रखे, ये मत समझ ले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होता है, ये यहाँ पे बराबर नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, चूंकि रिफ्लेक्शन में भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी आर से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर में धोखा मत खाइए। ठीक है ना, आर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो होता है, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो छोटा है, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो छोटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे छोटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये बात यहाँ पे आप दिमाग में रख सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। जब ये तभी होगा जब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करे, ये ट्रेवल करे आपका रेयर से डेंसर की ओर। तो ये एक्सपेरिमेंट होगा, ऐसे ये ट्रेवल कर रहा है, और ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप कहीं पर लैब वगैरह में स्कूल में करके देख सकते हैं। दूसरा, जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तब क्या होगा? अब ये समझते हैं कि ऐसा ही अगर एक एक्सपेरिमेंट हमें डेंसर से रेयर की तरफ करने के लिए मिले तब क्या होगा। तो ये एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे हमने मान लिया कि ये है डेंसर, डेंसर सॉरी, ये है डेंसर, डेंसर से रेयर, और ये है रेयर, ये है रेयर मीडियम। ठीक है, ये है रेयर मीडियम। अब लाइट जो है वो ट्रेवल कर रहा है मान लीजिए डेंसर से रेयर की तरफ, तो हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं कि ये जो लाइट है ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, और यहाँ पे हम नॉर्मल मान लेते हैं कि नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल ये,
इस इंटरफेस के ये नॉर्मल है। ठीक है, ये है नॉर्मल। ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ। यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाना तो इसको सीधे चाहिए था, लेकिन ये सीधे न जा करके चूंकि डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ऐसी स्थिति में ये सीधे न जा करके नॉर्मल से दूर भागता है। ये जो लाइट होगी जो यहां से ऐसे जाएगा, ये नॉर्मल से दूर भागेगा। नॉर्मल से दूर भागने का मतलब ये हुआ कि यहां से ऐसे जाएगा। यहां से ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में एक्चुअल पोजीशन इसकी ये है, एक्चुअल पोजीशन इसकी ये है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा होगा। डेंसर से रेयर में यहाँ पे आर जो होगा वो आई से बड़ा होगा, एंगल आर जो होगा एंगल आई से बड़ा होगा, पीछे क्या था छोटा। तो डिपेंड करता है कि कब लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है कि डेंसर से रेयर जा रहा है। ये डेंसर है और ये रेयर है, तो मूव करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये चीज होती है, ये कहलाएगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, ये इंटरफेस हमारा है इंटरफेस, और इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये कहलाएगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये कहलाता है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो बेसिकली ये या तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो आप लेकिन अपने पाथ से डेविएट होगा जरूर। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होता है, ये सेपरेटिंग इंटरफेस है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। ये एक रूल है, ठीक है ना, आप एक्सपेरिमेंटली इसको अपने स्कूल में के लैब में वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसके कुछ रूल है, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के कुछ रूल है, कितना डेविएट होगा ये भी एक पैरामीटर तो होना चाहिए, ऐसा थोड़े ना है कि जितना मर्जी उतना डेविएट हो जाए। डिपेंड करेगा कि डेंसर मीडियम इसके मुकाबले वो कितना है, और इस बात को थोड़ा जो रूल के रूप में बताया गया है उसको हम कहते हैं, जिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आइए उसको सीखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? पहला लॉ है कि द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल the normal to the interface, interface at point of incidence all lie in the same plane, in the same plane, okay. Right, all lie in the same plane,
ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन ऑफ एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बियर्स ए कॉन्स्टेंट रेशियो फॉर अ गिवन कलर एंड पेयर ऑफ मीडियम that constant is called refractive index of second medium with respect to first medium. And it is denoted by mu. तो ये है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव साइन आई बाई साइन आर, वेयर आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो म्यू जो होगा वो होगा साइन आई बाई साइन आर, इसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। That is mu 2 1 is equal to sin I by sin R. ठीक है, mu 2 1 कहेंगे refractive index of second medium with respect to first medium, ऐसा। ठीक है ना, अगर mu 1 2 कहें तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, sin R बटा sin I हो जाएगा। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और true value ये होना चाहिए, आई जो होना चाहिए हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। सो आप ये याद रखें कि फॉर ट्रू वैल्यू आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ये याद होना चाहिए। ठीक है, कि ट्रू वैल्यू के लिए हमेशा ही आई जो होगा वो बड़ा होगा किससे? 0 से, और छोटा होगा और ट्रू वैल्यू आई लाइज बिटवीन 0 to 90। इस रूल को स्नेल्स रूल भी कहते हैं। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, दिस रूल इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ और स्नेल्स रूल। ठीक है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने का, अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ वाटर और एयर हमने लिया था ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हो सकता है ना यहाँ पे। तो ये कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे अगर मैं साइन आई बाई साइन आर लिखूं तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो कि साइन आई बाई साइन आर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई साइन आर अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो इसको लिखना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम दैट इज वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये लिखेंगे ऐसे म्यू डब्ल्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर जो होगा, अगर मैं इसको, इस डेंसर को ग्लास मान लू और इस रेयर को वाटर मान लो एज कम्पेयर, तो हम इसको कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये पढ़ेंगे इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या इसी तरीके से डिफाइन होगा या कुछ और भी तरीका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने का और भी तरीका है, हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज डिफाइंड एज म्यू टू वन, का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे भी होगा, जैसे हम कहें कि वाटर से एयर में जा रहा है तो, या एयर से वाटर में जा रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट वाटर का, एयर का पहले और वाटर का बाद में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, कहेंगे इसको अगर इस तरह से हो तो इसको हम कहेंगे म्यू डब्ल्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है इस तरीके से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई साइन आर होता ही है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से भी डिफाइंड होगा कि जो लाइट की स्पीड है वो एयर में कितनी है और वाटर में कितनी है, स्पीड बदलती है, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करता है बहुत फास्ट, और मीडियम अगर होगा डेंसर तो उसमें लाइट की स्पीड थोड़ी स्लो होगी कंपैरिजन। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब जब हम किसी सब्सटेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कहते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो इसका मतलब है कि उसको एयर से कंपैरिजन किया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से कंपैरिजन किया गया है। जैसे एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, ए फॉर एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर कहें तो ये है 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मानी जाती है ये है 4/3 यानी 1.33। तो ये किसके मुकाबले है, ये एयर के मुकाबले है। दिस मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू
एयर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसी तरह से ग्लास, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है, अलग अलग तरह की ग्लास के लिए अलग अलग होती है, बट यूजुअली ये 1.5 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए, आपके लेवल के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास 1.5 होती है। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू एयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। हालांकि 1.5 से भी कुछ अलग अलग तरह के ग्लास के लिए अलग अलग होता है, ग्लास की कई वेराइटी होती है और उस वेराइटी के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। इसी तरह से किरोसिन का, अल्कोहल का, आइस का, आइस का 1.33 होता है, अल्कोहल का 1.36 होता है। ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ लिस्ट आपको किताब में दी गई है, आप उसे पढ़ सकते हैं। याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको याद करने की जरूरत नहीं होती, अगर न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ती है तो वहां पे इसकी वैल्यू लिखी गई होती है। एयर का, वाटर का, ग्लास का, ये तीन कॉमन है जिसे आप याद रख सकते हैं, बाकी का याद करने की जरूरत नहीं है। जितने सब्सटेंस हैं सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है, कुछ का 10-15 का आपकी किताब में वैल्यू दिया हुआ है, उसको आप चाहे तो देख सकते हैं समझने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब इसके बाद आज रिफ्रैक्शन आपने अच्छी तरह से सीख लिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सीख लिया। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे लेंस की, और लेंस, स्फेरिकल लेंस जो है वो कितने तरह का होता है, क्या होता है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें सीखेंगे। टिल देन, गुड बाय।